इस वीडियो में हम देखेंगे आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। तो वेक्टर्स का देखेंगे तो इसमें पहले तो आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स लिया है 2x2 का, सो लेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 4, 3। सो बाय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो क्या करना है यहाँ पे, सिंपली डायगोनल जो है उसको माइनस लैम्डा करना है। सो जो भी आपका कॉन्स्टेंट है उसको वैसे ही लिखना है, माइनस लैम्डा ऐड किया दैट इज इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट में डाल दिया है ए का। देन ऑन एक्सपांडिंग दिस डिटर्मिनेंट वी गेट, इसको हम एक्सपांड करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस किया तो उसके बाद आपको वैल्यूज़ मिला। यहाँ पे क्वाड्रेटिक आया इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपको लैम्डा का वैल्यू मिला -1, -5। तो अब इसको फर्दर क्या करेंगे, ये आपका हुआ आइगन वैल्यूज़, सो आइगन वैल्यूज़ हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, आइगन वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली ये जो था दैट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इंटू यहाँ पे एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे ये जो एक्स है, ये वेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे x1 x2, और यहाँ पे ये जो है वो सेम रहेगा ये जो है हमारा। सो माइनस लैम्डा की जगह पे आप क्या करेंगे, लैम्डा की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे ये जो मिला है -1 और 5। सो अभी मैं 5 पुट करता हूँ सपोज, तो क्या होगा यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएगा। सो 1 - 5 दैट इज़ -4, 3 - 5 दैट इज़ -2। सो इसको मैंने यहाँ पे पीछे लिख दिया यहाँ पे, सो ये हो गया इंटू एक्स इक्वल टू 0। सो अभी यहाँ पे करना क्या है, ये जो नीचे वाला आपको दिख रहा है इसको R2 को चेंज करूँगा मैं, R2 + R1, तो उससे क्या होगा नीचे वाला 0 हो गया। सो उसके बाद क्या बचा है आपके पास, 4x1 फिर उसके बाद +2x2 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन मिल गया हमको, तो इसको सिंपली डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो बचा क्या, x2 = ये उससे जाएगा, सो 2 2 = 4, सो 2x1, सो लेट x1 = t। तो क्या होगा x2 = 2t। सो मैं इसको जो बॉक्स है x का हमारा x1 x2, तो यहाँ पे t है और यहाँ पे 2t है, तो इसको मैं t कॉमन लेता हूँ तो क्या आएगा आपका, t बाहर आ गया, 1 और 2 आया। सो ये जो हमारा x था दैट इज़ ये जो बॉक्स था पहले हमारा a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, सो इसमें आया आपको x का वैल्यू दैट इज़ 1 और 2। दिस इज़ फॉर 2x2 के लिए, तो अभी 3x3 के लिए करूँगा तो क्या होगा, सिंपली यहाँ पे 3x3 लिया। सो इसको भी सेम करना है, आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। सो इसका वीडियो मैं नीचे डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। सो आइगन वैल्यूज़ ऐसे यहाँ पे यहाँ तक आ गए, तो उसके बाद वेक्टर के लिए क्या करेंगे, ये जो था दैट इज़ मैट्रिक्स ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू इंटू एक्स इंटू इक्वल टू 0। तो उसमें क्या करेंगे, ये जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जिसमें लैम्डा था सब जगह पे डिटरमिनेंट में डायगोनल में, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे जो वैल्यूज़ मिले आइगन के दैट इज़ एग्जाम्पल यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, तो उसको वहाँ पे पुट करूँगा लैम्डा की जगह पे, रेस्ट बिगन सेम दैट इज़ -9 जो भी है यहाँ के सब सेम रहेगी, सिर्फ यहाँ पे डायगोनल्स के इसमें माइनस लैम्डा जो था वहाँ पे मैंने 2 पुट किया, सो यहाँ पे माइनस लैम्डा था तो वहाँ पे 2 पुट किया तो ये मिला। सो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, अभी नेक्स्ट क्या करेंगे यहाँ पे बाय अप्लाइंग क्रेमर्स रूल। सो पहले कौन सा भी एक लाइन ले लेंगे, एग्जांपल ये 2 ले रहा हूँ, सो यहाँ पे 0 है x1 देन -9 x2 +5 x3 = 0, इक्वेशन 1 लिया। एंड देन सेकेंड वाला ये ले रहा हूँ 5x1 -12 x2 +7 x3 = 0, इक्वेशन 2 अभी ले लिया है। क्रेमर्स रूल क्या रहता है, x1 = -(x2) = x3, तो इसके नीचे क्या आएगा आपका, सो यहाँ पे मैं x1 को छोड़ के इसका जो ये रहता है कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट्स तो इसको ले रहा हूँ मैं, सो दैट इज़ -9 - 12 + 5 और 7, तो फिर इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा जो उसको नीचे लिख दूंगा। सो यहाँ पे डाला मैंने कैल्सियम में, सो इसका वैल्यू आया -3। सो देन सेकेंड वाले में क्या करेंगे, सिंपली x2 का जो है रो इसको छोड़ देंगे और ये दोनों को, ये दोनों इसको लिख दिया 0 - 5, 5 और 7 यहाँ पे, तो एक डिटरमिनेंट बन गया। फिर x3 के लिए सेम, x3 का जो भी है कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट वो सब छोड़ देंगे,
एक्स वन और एक्स टू का ले लेंगे, 0, -5, -9, -12 यहाँ पे ले लिया। तो इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आएगा, -3। तो इसका सॉल्व किया तो वैसे ही इसका भी सॉल्व करना है और इसको सेम नीचे लिख देना है। तो ये यहाँ पे आ गया इसका वैल्यूज़, सो इक्वल टू t लिखा। तो अभी मैं इसमें कुछ डिवाइड कर सकता हूँ क्या, अगर सिंप्लीफाई होता है तो करने का, अगर इधर 5 रहता तो मैं इसको डिवाइड बाय 5 कर देता थ्रू आउट, लेकिन ऐसे कुछ हो रहा नहीं है। सो यहाँ पे क्या करूँगा, सेम डिवाइड बाय -1 कर दूँगा क्योंकि सब में माइनस कॉमन है। सो माइनस टर्म हट गया, सो आपको ये मिला। सो इसको मैं इक्वल टू टी बोल रहा हूँ। सो लेट यहाँ पे जो पहले अपने डाला a माइनस लैम्डा आई इक्वल इंटू एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो x का वैल्यू आपको मिल गया है, दैट इज़ 3, 25 एंड 45। तो ये हो गया x। फॉर हमने वैल्यू क्या डाला था 2 के लिए, सो फॉर लैम्डा इक्वल्स टू -1 के लिए वैसे ही करना है, माइनस लैम्डा रहेगा तो यहाँ पे -1 पुट कर देंगे। सो माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, सो -2 + 1 दैट इज़ -1। तो वैसे ही यहाँ पे सॉल्व करना है आगे फर्दर स्टेप्स भी बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। फिर उसके बाद क्रेमर्स रूल आगे लगाना है और यहाँ पे x1 बीच में यहाँ पे माइनस साइन रहता है, x2 एंड देन इक्वल टू x3। फिर देन यहाँ पे डिटरमिनेंट लेना है x1 का जो कोएफिशिएंट है उसको छोड़ के x2 और x3 का। तो वैसे ही यहाँ पे ऐसा करना है। दैट्स ऑल, थैंक यू।